हेलो गेमर्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और गाइस आज हम लोग के पास आ चुका है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी C61 स्मार्टफोन। और आज हम लोग इस फोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग उसी के साथ एक बहुत ही धमाकेदार मज़ेदार फ्री फायर टेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस बॉक्स में कुछ आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, उसी के साथ आप लोग को एक ट्रांसपेरेंट केस कवर भी देखने को मिल जाता है, साथ में ही आप लोग को एक चार्जर भी देखने को मिल जाता है, उसी के साथ टाइप सी केबल भी देखने को मिल जाता है। और भी गाइस बॉक्स में जो आप लोग को स्मार्टफोन है वो तो देखने को मिलना चाहिए और मिलता भी है बाय द वे। और यहाँ पर फोन का लुक और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है। अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से फ्री फायर को इंस्टॉल करके और गेम को ओपन करते हैं इस स्मार्टफोन में। गेमर्स, यहाँ पर मैंने गेम को ओपन कर लिया है और अभी मैं फटाफट से मैच स्टार्ट करने से पहले आप लोग को अपना ग्राफिक्स सेंसिटिविटी वगैरह दिखा देता हूँ कि मैं किस ग्राफिक्स और किस सेंसिटिविटी पे खेलने वाला हूँ। सेंसिटिविटी की बात करें तो सारा का सारा सेंसिटिविटी 200 पर अगर खेलूंगा। डिस्प्ले पे जो ग्राफिक्स रहेगा वो गाइस मैक्स पर रहेगा, हाई रेजोल्यूशन पे रहेगा, शैडो भी ऑन रहेगा, फिल्टर भी ऑन रहेगा और हाई FPS भी हाई पे रहेगा। ओवरऑल बोले तो सारा चीज़ हाई पर रखकर खेलने वाले हैं, पूरा एक्सट्रीम टेस्ट करेंगे, पूरा रियल और जेन्युइन रिव्यू देंगे। तो गाइस वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट से देखना। और गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं कि फटाफट चलते हैं मैच के फाइट वाले सीन पे। उससे पहले गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो में आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है, जैसे कि क्या ये फ़ोन गेमिंग करते टाइम हीट होता है या नहीं होता है, लैग करता है या नहीं करता है, या फिर कुछ फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और मतलब बैटरी ड्रेन कितना होता है एक घंटा लगातार गेमिंग करने पर। ये भी सारे चीज़ों का सवाल आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा और आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है इस वीडियो में। तो गाइस अभी आप लोग थोड़ा सा गेम प्ले को एंजॉय करो और मैं मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में अपने जो मतलब मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसके साथ। Double takedown. First doom. Double down. Double take down. Double take down. Double takedown. Double takedown. Double takedown. गेमर्स, कैसा लगा आप लोग को गेम प्ले कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय द वे गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को मतलब कट टू कट बता दूं कि इस फोन में लैगिंग या फिर फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिला या नहीं मिला। तो गाइस देखो, ये फ़ोन आता है 7500 में और इस प्राइस सेगमेंट को अगर प्राइस सेगमेंट को कंसीडर करते हुए देखा जाए तो लैगिंग मतलब जितना देखने को मिला है इस फोन में वो एकदम ना के बराबर है। बिकॉज गाइस देखो, प्राइस को देखते हुए ही हम लोग फ़ोन को परचेज करते हैं, तो प्राइस के हिसाब से तो इस फोन में गेमिंग काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है। और हाँ गाइस, मैक्स सेटिंग पे आप लोग को लैगिंग देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लैगिंग देखने को नहीं मिलेगा, लैगिंग थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। और गाइस अगर बात करें कि किस ग्राफिक्स पे हम लोग एकदम
इजिली मतलब एकदम स्मूथ तरीके से खेल सकते हैं। तो गाइज आप लोग मतलब अल्ट्रा पे या फिर स्टैंडर्ड पे, अल्ट्रा पे आप लोग आराम से स्टार्टिंग के दिनों में खेल सकते हो, कुछ समय बाद जैसे एक साल बाद आप लोग स्टैंडर्ड पे भी शिफ्ट हो सकते हो। बाय द वे गाइज इसमें बैटरी ड्रेन भी काफ़ी कम होता है, बिकॉज गाइज इस फोन का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा तरीके से किया गया है। 5000 mAh का बैटरी आता है और एक घंटा लगातार गेमिंग करने पे मात्र और मात्र 16-17% बैटरी ड्रेन होता है, और लिटरली ये काफ़ी कम बैटरी ड्रेन है इस प्राइस सेगमेंट को देखते हुए। तो गाइज ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि इस फोन को आप लोग को गेमिंग के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछो तो गाइज देखो ये फोन अपने प्राइस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, बिकॉज गाइज 19Hz का मतलब डिस्प्ले भी देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन में, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन इस फोन में देखने को मिलते हैं। और ये अगर मतलब आप लोग 7500 का अगर आप लोग का बजट है तो इस प्राइस सेगमेंट में ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, इस फोन का आप लोग गेमिंग के लिए परचेज कर सकते हो। तो गाइज यही था आज का वीडियो। जय हिंद।